अस्सलाम वालेकुम। जब आप लोगों के डिपार्टमेंट में डॉक्टर मजहर ने विजिट कराया और ये देखा हमने कि माशाल्लाह 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 आप लोग डेटा साइंसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब पर भरपूर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के नज़र आए मुझे। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी थी बस एक नया नाम हमने दिया इस मौजू को, ये इंटीग्रेशन था फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस का। इसको मैंने नाम यूँ जोड़ा जब हम बैठे अपने मैं अपना अगर तारुफ कराना चाहूँ तो मैं आप ही की यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हूँ। आई एम सर्विंग एज अ लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी जो मेन कैंपस में है एंड करंटली आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अब फार्मासिस्ट बाय एजुकेशन एंड प्रोफेशन को 8-10 साल का इस बीच में एक्सपीरियंस है जिसमें इंडस्ट्री में भी काम किया, हॉस्पिटल्स में भी काम किया, कंपनी सेक्टर्स में भी काम किया और उसके बाद फिर हम अकेडमिक्स की तरफ आते हैं। आज के हम इस टॉक में जो मेजर बात करने जा रहे हैं तो जो भी बात मैं करूँगा आपके सामने भरपूर साइंस होगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि रोबोट ऐसे काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है न्यूरल स्कीमा क्या होती है, मुझे नहीं लगता कुछ भी, दैट्स कंप्लीट साइंस एंड आई एम अवेलेबल टू प्रोवाइड एनी ऑफ द रेफरेंसेस। अगर आप इसके बाद भी बात करना चाहेंगे, आपने इतना एक बात कही थी उसका रेफरेंस क्या होगा, सो आई एम ऑलरेडी अवेलेबल टू प्रोवाइड द रेफरेंस। तो जो कुछ भी होगा अच्छा हम किसी चीज से कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं फला जगह हमने ये पढ़ा था, आपने ये कह दिया था, दैट्स अगेन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑथर इफ इट्स इन एनी रिसर्च पेपर। अगर रेफरेंस है तो हम उसको भरपूर डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट अप विद एन ओपनिंग क्वेश्चन एंड आई ओपनर। मैं थोड़ी सी आज आप लोगों को फार्मेसी पढ़ाऊंगा। हमें ऐसा लगता है कि फार्मेसी पता नहीं क्या होता है, साइंस होती है, हमने कभी साइंस नहीं पढ़ी है। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नाइन्थ में भी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है। सो थोड़ा सा हम एक 5 मिनट लगाएंगे इसके लिए और ये लगाना इसलिए जरूरी है जो आपके एचओडी की भी थॉट है कि कल को जब आपको जॉब मिलती है और आप एंटर होते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अच्छा होता पता क्या है, व्हेन यू एंटर द फर्स्ट जॉब हर एक सब्जेक्ट के अपने नॉर्म्स होते हैं, कुछ एब्रीविएशंस आप लोगों ने भी दिए हुए होंगे, अपनी कुछ बुक्स के नाम पर दिए हुए होंगे कुछ आप। मैं अपने अगर बताऊं तो मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया और फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक पढ़ना था तो बार बार मैं लोगों से सुनता था एबीआर से पढ़ लो, एबीआर से पढ़ लो, एबीआर से पढ़ लो। मैं समझा कोई किताब है शायद, तो मैं लाइब्रेरी में गया, एबीआर बुक चाहिए, बुक चाहिए। 3 महीने बाद लगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अनीस बिन रहमान, उनसे पढ़ना था। सो ही वाज एबीआर। सो तो 3 महीने बाद जाके पता लगा कि एबीआर इज एन एब्रीविएशन। सो देयर आर मेनी ऑफ द एब्रीविएशंस, मेनी ऑफ द टर्मिनोलॉजीज व्हिच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फार्मेसी। हमारे ग्रेजुएट्स जाते हैं, अच्छा ग्रेजुएट्स सिर्फ आप नहीं है, 1000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स इस वक्त पूरे कराची में कंप्यूटर साइंस के 2 महीने बाद मार्केट में आने वाले। जॉब्स कितनी है ये आप सब भरपूर जानते हैं, बहुत कम जॉब्स हैं। जो एक दफा किसी कंपनी में लग जाता है फिर वो शायद मर के ही निकलता है वहां से, उसके अलावा शायद ही वो जॉब स्विच करता होगा, कहीं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली जॉब स्विच किया। जॉब्स कम है इसका मतलब कॉम्पिटिशन बहुत है, इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। द ओपनिंग क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है, दवा अच्छी होनी चाहिए, हम कहते हैं बनाने वाला रिस्पॉन्सिबल है, जिसने बनाई थी तो सारा मलबा हम डाल देते हैं बनाने वाले पर। आहिस्ता आहिस्ता हम इस बात को समझेंगे कि आपका क्या रोल होगा इसमें, आप किस तरह ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। सो विल डिस्कस, विल शेयर, विल नेविगेट। आज हम एक थॉट लेकर एंटर हुए इस कमरे में, डी लर्न, लर्न एंड फ्री लर्न। शायद मुझसे ज्यादा चीजें आपको कंप्यूटर साइंस की पता हो या शायद आपसे ज्यादा मुझे फार्मेसी की चीजें पता हो, लेकिन जब मैं इस कमरे में घुसा तो मैंने अपने कंप्यूटर साइंस को बुला दिया। आज मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके सामने और फिर हम इसे और ज्यादा पढ़ेंगे। ये जो मुझे आंखों में चमक नजर आ रही है आप सब लोगों की सीखने की, ये मुझे शायद और लोगों में नजर आती है। मैं इस वक्त पूरी फैकल्टी को देख रहा हूँ, पूरे दिलोजान के साथ वो हर बुध वाले दिन आप लोगों के लिए सेशन रखते हैं और इतनी बेहतरीन अटेंशन के साथ आप लोग बैठे हुए हैं। यकीन कीजिए ये जरूर आप लोगों के एक ना एक दिन आपके सामने आपकी सक्सेस में आएगा। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन 3 टॉपिक्स, बेसिक 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 हिस्ट्री ऑफ AI, देन वी विल मूव टुवर्ड अ बिट ऑफ फार्मेसी एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली AI इज डूइंग। AI इस वक्त कहां तक पहुंच चुका है और कितनी खतरनाक बात आ सकती है इफ यू टॉक अबाउट AI। सो दैट समथिंग अ रोबोट, और रोबोट क्या करता है, रोबोट कहते किसे। अगर कोई इंसान आपकी ही अपनी यूनिवर्सिटी में
सुबह इंटर होता है 9 बजे, 9 से 10 एक क्लास लेता है, 10 से 11 क्लास लेता है, 11 से 12 क्लास लेता है, 12 से 1 क्लास लेता है, 1 से 2 क्लास लेता है, 2 से 3 क्लास, 3 से 4 क्लास लेके बैग उठाता चला जाता है। आप कहते हो रोबोट रोबोट तो नहीं है, तो रेस्ट नहीं कर रहा, ब्रेक नहीं ले रहा, पानी नहीं पी रहा। सो दैट एक्चुअली व्हाट रोबोट इज डूइंग। मशीन को हम क्यों लाना चाहते हैं अपने अंदर? इंसान के साथ प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत मुमकिन था कि एट 11th आवर मैं इनको मैसेज कर देता मेरे पांव में शरीर तकलीफ है, मैं नहीं आ सकता, और ये सब कुछ धरे का धरा रहता। लेकिन अगर मेरी जगह रोबोट होता तो क्या कभी वो इस तरह की बात भी करता? उसकी डिक्शनरी में तो नो नहीं है। व्हाट्स दैट? जैसे आज हम सब यहां गैदर हुए मैडम, 1956 में लोग इस तरह गैदर हुए थे इसी जगह पर। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि व्हाट्स एआई। दो लोग थे, वो अपनी टॉक दे के चले गए। लोगों ने कहा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये एआई वेआई, क्या मतलब खुद से चीजें चलेंगी, आवाज इम्पॉसिबल। आइंस्टाइन कहता था एक वक्त आएगा कि आप जमीन पर दीवार पर दुनिया देखेंगे। लोग बोले तो पागल हो गए, आज देख रहे हैं ना, मैं जो प्रेजेंटेशन बना के लाऊं आप किधर देख रहे हैं, कपड़े पर देख रहे हैं इसका प्रभाव। नाउ 1956 में इन दिस बिल्डिंग ड्यूरिंग द समर ऑफ 1956 जॉन मैकार्थी द नंबर वन साइंटिस्ट फ्रॉम डार्टमाउथ कॉलेज एंड द नेक्स्ट वन इज मार्विन मिन्स्की फ्रॉम MIT। आई होप आप सब लोगों ने भरपूर तरीके से सुना होगा, इज फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ऐसे टॉपिक्स मार्केट में लेकर आ रही है, आज से नहीं ला रही है। बच्चे क्या समझते हैं एआई कोविड में निकला है, कोविड के बाद ना एआई बहुत चल गया। इट्स 1956 जब पहली मरतबा लोगों ने एआई दिया। मैं आपको उन लोगों को दिखाता हूं, दीज आर द टू मैन, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट बोथ ऑफ देम। इनकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन मैं देख पा रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा आप भी देख पाए। द जॉन मैकार्थी सेइंग आई डिड इट, आई थॉट आई डिड इट। वक्त लगा होगा, लोगों ने टांग भी खींची होगी, आगे जाता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता। लोगों ने बोला क्या मशीन वशीन बनाने की बात करता है, मशीन वशीन कुछ नहीं होती यार, इंसान सही सुबह उठता है, नाश्ता से करता है, काम करने जाता है। ही थॉट नो आई कैन एंड आई विल, ही डिड इट। देन जो सबसे वक्त आता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आता है। टर्म वॉज नेम्ड एज एआई विंटर। एआई विंटर से मुराद ये कि हर इंसान की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आया होगा कि लोगों ने आपको ये कहा होगा कि जो तुम करने जा रहे हो पॉसिबल नहीं है। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया होगा तो आपके उस दोस्त ने जिसने किसी और जगह पर एडमिशन लिया था, या आपका वो दोस्त जो किसी और फील्ड में पढ़ रहा था, वो आपको क्या कहता था, कहां एडमिशन ले लिया, ये फील्ड तो अच्छी है ही नहीं। उस फील्ड में जाते वो फील्ड बहुत अच्छी है, उसका बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप है उसका। हम 2 साल तो इसी परेशानी में थे, हमने CSIT लिया केवल, अब जाके तो थोड़ा स्टेबल हुए हम कि यस हमने जो CSIT लिया दैट वॉज समथिंग वेरी गुड। दिस वॉज द विंटर पीरियड फॉर AI and that was year 1984. So we started back in 1956. 30 साल भी नहीं गुजरे थे। लोगों ने कहा भाई कोई फंडिंग वंडिंग नहीं है हमारे पास, हम पैसा नहीं लगा सकते, हम आपको पैसा देंगे वो हमें लग रहा है वेस्ट होने वाला है। सो दैट वॉज अ टाइम। अब यहां से 2 रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता आगे बढ़ने का और एक रास्ता वहां पर काम को रोक देने का। लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स। आप लोगों ने नोबेल प्राइज का नाम सुना है, बहुत सारे साइंटिस्ट को मिलता है। क्या होता है नोबेल प्राइज? इट वॉज अ मैन, जर्मनी का एक शख्स था नोबेल, इट्स अ फैमिली, बहुत पैसा था। उसने सोचा मैं मर जाऊंगा तो होगा क्या, ये तो मेरे नाम से पार्क बनाएंगे, मेरे नाम से सिनेमा बन जाएगा यहाँ पर, मेरा पैसा तो उसमें लगेगा, तो मैं क्या करूं। तो उसके खानदान ने कहा एक काम करते हैं, आपके पैसे को ट्रस्ट कर देते हैं और आपके नाम पर हम हर साल जर्मनी में एक मीटिंग कॉल करेंगे, उसका नाम होगा नोबेल लॉरियट्स मीटिंग, जिसको जिंदगी में कोई भी इंसान 2 दफा अटेंड कर सकेगा, एक मरतबा एज ए डेलीगेट और एक मरतबा एज ए नोबेल लॉरियट। एक दफा आगे देखिए हो क्या, अगली दफा ये नाम लेकर जाया। नोबेल प्राइज किस बात पर मिलता है? नोबेल प्राइज एक नई इनोवेशन पर मिलता है। वाईफाई बनाने वाले को नोबेल प्राइज मिला, नई चीज बनाई उसने, ये गॉट द नोबेल प्राइज। सो एक साइंटिस्ट था वो इस विंटर पीरियड में गुजरा, ही वाज वर्किंग ऑन एच पायलोराई। मैं थोड़ी सी अल्सर का नाम आप सबने सुना होगा, वो मेदे की एक बीमारी है जिसमें मेदे में जलन होती है, लोग भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो साइंटिस्ट कोशिश कर रहा था कि मैं इस मेदे की भूख वाली ना वजह तो जानूं होता कैसे। आज तो आपको पता है गूगल कर लें हेलिकोबैक्टर पायलोराई इज द ऑर्गेनिज्म, ये करता है। उस बेचारे ने रिसर्च की 10 साल लगा दिए,
आंसर्स नहीं आ रहे थे, सो ही वेंट टू द विंटर पीरियड. उसके बाद पता उसने किया गया, उसने कहा यार इंसान में इंसान में हो नहीं रहा, बाहर चूहे हुए में डाल रहा हूँ मैं, मेंढक को दे रहा हूँ, चूहे को दे रहा हूँ, रैबिट को दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ खुद पी जाता हूँ. उसने खुद पी लिया. इट वॉज द फर्स्ट मैन जो अपने बीमार होने पर खुश हुआ, यार दिस इज वर्किंग. और आज हम सब उनको जानते हैं, हम कहते हैं जयेश पालराई के हमारे पास नोबल लॉरिएट मौजूद हैं. तो आपको कभी कभी ये वक्त देना पड़ता है. इस पिक्चर से शायद आपको एक मैसेज मिल रहा है. ये एनिमल इस फ्रॉग को खा रहा है, और ये फ्रॉग क्या कर रहा है? फ्रॉग कह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, मैं तो मरे ही मरा तेरे को भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, उसका भी हाल बुरा करके जाऊंगा, हो सका तो मार दूंगा. एंड दैट्स द अप्रोच व्हाट वी नीड. इकबाल के शाइन को हमने गलत ही तरीके से ले लिया. इकबाल का शाइन वो नहीं था जो हमने समझा. उर्दू भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लफ्ज बलफ तर्जुमा शुरू कर देते हैं. जैसे इंग्लिश में भी अगर मैं लफ्ज बलफ तर्जुमा शुरू करूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मतलब मुझे किसी को कहना है कि मुझसे तब मिलिएगा जब मैं फ्री बैठा हूँ या खाली बैठा हूँ. तो बाद अगर लोग इसको यूं बोल देते हैं, मीट मी व्हेन आई एम एम्प्टी. आई एम नॉट एम्प्टी, मीट मी व्हेन आई एम फ्री. मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ. एम्प्टी का मतलब ये होता है कि काम नहीं कर रहा, खाली है. सो इकबाल का शाइन ये था. ये काम आपकी जिंदगी में अगर नहीं आया ना, तो यकीन जानिए बहुत जल्द आने वाला, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग द प्रोफेशनल लाइफ. और प्रोफेशनल लाइफ यूं हो जाती है कि आपको इस तरह के लोग हर कदम पर मिलते हैं. या तो ठीक है हाथ बांध दे और कहें खा ले भाई मुझे कितना खा सकता है, या फिर कहें ठीक है थोड़ी तुम दबा कर जवाब दे सकता हूं. देन दीज वर द टू साइंटिस्ट अगेन जिन्होंने एआई विंटर पीरियड ब्रेक किया, रॉजर स्नैक एंड मार्गुनस की. रॉजर स्नैक इज द लिविंग लेजेंड, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम. इन्होंने कहा कि ये विंटर पीरियड कुछ भी नहीं होता, हम काम करेंगे, फंडिंग नहीं है. सवाल आता है फंडिंग नहीं है. आप लोगों ने वैक्सीन का नाम सुना, कोई सी भी वैक्सीन लगती है दवाओं की, वो आजकल कैसे होता है ना, वैक्सीन लगाने वाला जो आता है वो एक बड़ा सा बॉक्स लाता है, उसमें आइस बॉक्स होता है, अंदर बर्फ पड़ी भी होती है, उसमें से निकालता है, स्टरलाइज करता है आपको, एक इंजेक्शन लगाता है, सिरिंज तोड़ देता है, नहीं दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा. आज हो रहा है. डू यू नो एडवर्ड जेनर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वैक्सीन. पहली मरतबा वैक्सीन बनाई, किस चीज में बनाई थी? मटके में बनाई थी, कॉपॉक्स के लिए बनाई थी. उसने कैसे बनाई थी? रोशनदान से स्टरलाइजेशन करवाई थी. तो ये वो लोग थे जिन्होंने साइंस बनाकर आपके सामने रख दी. हमारा मसला ये कि हम कहते हैं शायद साइंस ऐसी है जैसी आज आपके पास मौजूद है, ऐसी हरगिज नहीं है साइंस जो आज आपके पास है. साइंस और इस फेज में हम है एआई के लिए, हमने ऐसी इनोवेशंस करके आगे बढ़ना होगा. देयर इज अ स्टूपिड मिथ आउट देयर दैट एआई इज फेल्ड बट एआई इज अराउंड यू एवरी सेकंड ऑफ द डे. दैट वाज 2002, रॉडनी क्रॉक्स, ही मेड अ रोबोट. और जो ये कर रहा है वो रोबोट भी कर रहा है. एंड दैट्स समथिंग Your achievement. तो मेरा ये ख्वाब है, मैं अक्सर लोगों से शेयर करता हूँ कि यार मैं अपने डिपार्टमेंट में जब एंटर हूँ ना, एक दिन तो मेरे साथ मेरा रोबोट भी चले और सलाम लोग करें, जवाब मेरा रोबोट दे, मैं मजे से आगे जा रहा हूँ. मेरा ख्वाब है ये, और मैं इसके लिए भरपूर तरीके से मेहनत करने के लिए कहा हूँ. कभी पाइथन पढ़ता हूँ, कभी C++ पढ़ता हूँ. मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को लेकर घूम रहा हूँ. ये फार्मास्यूटिक्स भी, फार्मेसी और रोबोट्स को मिलाकर दिया. बट आई नीड दिस, मुझे करना है, और इंशाल्लाह आई डू दिस. Because मैंने सोचा है कि आपने अभी बैठकर ये सोच लिया, आप भी करेंगे. हम अंडरएस्टिमेट नहीं हो सकते कभी भी किसी से. ये साइंटिस्ट हिस्ट्री सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये भी इंसान है, सीन किसी का भी नहीं था. पीछे जब तस्वीर दिखाई है, मैंने दुम भी नहीं थी किसी की भी, पैर टेढ़े भी नहीं थे, उंगलियां इनकी भी उतनी थी जितनी आपकी है, दिल इनका भी वही था जिनका आपका है, सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही थी. बस जो दिमाग था ना वो चला रहे थे, पॉजिटिवनेस में चला रहे थे. He prayed for Israel in 2005. He said, AI khatam nahi hua. So he started in 1956, 1984, winter period, 2002, 2005. AI is now everywhere in the world. He's George Devon. He's the man jisne pehla industrial robot banaya. Aur laakar logon ke samne khada kar diya. Bola, ye hota robot, aao. Baat karo usse. Aur logon ne baat ki usse. Logon ne commands diye usko. हर्डल्स इसको भी आए होंगे ना, लोगों ने इसको भी रोका होगा, इसकी गाड़ी में पथराव भी किया होगा, इसके टायर भी पंचर किए होंगे गाड़ी. ये खाली हमारे यहाँ का ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया का ट्रेंड है. पूरी दुनिया ऐसा करती है. जिससे बटा बटा होता है कोई, उसके कमरे के बाहर उसकी, वो बेचारा अंदर बैठा हुआ, बाहर से ताला लगाया, एलपी डाल दी ताले में, वो गरीब अंदर बैठा हुआ, यार मेरे को छाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, किधर फंसा दिया मुझे. बट ठीक है, आप हमारी बात मानो वरना हम ताला नहीं खोलेंगे. ठीक है भाई, मान रहे हैं बात, खोल दें ताला, क्या करें, दरवाजा तोड़ के तो नहीं निकल सकते. ये सब बेचारे ने झेला होगा,
लेकिन ये सब कोई पढ़ क्यों नहीं रहा इसके बारे में, क्योंकि इसने डिलीवर करके दे दिया, मैं तुम जो भी करते रहो, मेरे पास मेरा रोबोट मौजूद है, मैं उसको घुमाऊंगा। बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा मैं आपको फार्मेसी की तरफ लाता हूँ। व्हाट इज फार्मेसी? इट्स अ सिंपल टर्म। हम कहते हैं सर फार्मेसी इज एन आर्ट। बचा हुआ डेफिनेशन हम याद कर लें और अपने उन दोस्तों को बताएं जो लैब कोट पहनकर ऐसे हाथ में घूमते हैं, क्या है कि डॉक्टर है। अभी तो पहला दिन है, टुडे इज योर ओरिएंटेशन, व्हाइट कोट सेरेमनी हुई ना आज हमारी, सो हमने नाम यहाँ लिखा ना, सर ये डॉक्टर। उनको भी डेफिनेशन ना कभी कभार याद नहीं होती है। सो आज आपके जो भी फार्मेसी के दोस्त है ना, उनको जरा मैसेज किया हो गया, फार्मेसी की डेफिनेशन तो सुना ना, देखें बहुत आगे से जवाब क्या मिलता है। सो फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। मैंने साइंस नहीं कहा, मैंने साथ में एक आर्ट भी लगा दिया। व्हाट इज मीन बाय आर्ट? दिस प्रेजेंटेशन व्हाट आई एम गिविंग इज नॉट साइंस, इट्स आर्ट। हाउ टू डिलीवर इज एन आर्ट। ये साइंस तो नहीं है। साइंस क्या होती पता है? साइंस ही होती, मैं कहता हूं फार्मेसी इज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग स्टोर, फार्माकोलॉजी है। ये बाकी आप लोग पढ़ लें, दो मिनट ले लें, आपके पास दो मिनट है, ये आपका असाइनमेंट है, आपने इसको पढ़ना। दैट्स द साइंस, बट दैट्स एन आर्ट टू कैस्केड व्हाट आई नो। सो फार्मेसी इज एन आर्ट प्लस साइंस ऑफ कंपाउंडिंग मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। बनाना है, बना के देना है। अभी आप कहते हैं कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है सर, ये करती क्या है? ये पैनाडोल बनती है, ये क्या करते हैं ये लोग? पहले जमाने में तो नहीं था ये सब, पहले जमाने में तो हकीम के पास जाते थे, लोगों को इलाज कर देता था। अभी ये क्या मजाक बना है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, दो एक खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है। लाल वाली पीली के साथ नहीं खा सकते, पीली वाली नीली के साथ नहीं खा सकते। इस गोली को आपको सोने से पहले खाना होगा, इससे पहले आप दूध नहीं पी सकते। इसका मतलब है कि आप जो चीज खा रहे हैं दैट्स अ केमिकल। केमिकल इज लाइक अ गन। गन अच्छी चीज है, बुरी चीज है, दोनों है। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में तो सुकून मिलता है, मेरे दुश्मन के हाथ में तो काफी भागती है। इसके हाथ में गिर से आ गई यार, इसको तो पता ही नहीं करना क्या है इसका। सिक्योरिटी गार्ड का यार शुक्र है भाई, ये खड़ा हुआ। सो दैट्स बोथ ऑफ द वे। तो आपने अगर अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत डांट दिया ना, तो वो भी आपका नुकसान कर सकता है। वी हैव मल्टीपल केसेस। सो ये दवा भी एक गन है, जिसको आपने खाना है, वो खाने के बाद क्या करती है बॉडी में, यू नेवर नो। वो अच्छी है, वो बुरी है। तो इसके लिए फिर आपको एक फार्मासिस्ट चाहिए होता जो आपको बताता है कि दवा को। अच्छा, बड़ी सारी ना मिथ्स हमने चलाई हुई है, आप किससे भी गुजरा होगा। ये डॉक्टर ने दवा दी 500 मिलीग्राम की, आप मेडिकल स्टोर गए, मेडिकल स्टोर वाले के पास 500 मिलीग्राम की दवा नहीं थी, 1000 मिलीग्राम की दवा थी, 1 ग्राम की। उसने वो आपको दी और कहा तोड़ देना, तोड़ देना, तोड़ के खा लेना। आप कहते हैं नहीं तोड़ना, अरे निशान बड़ा बैठा पीछे, इधर से ये बड़ी जंग रही और इस जंग को अब तक हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आप लोगों तक भी पहुंची गई होगी कि एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है और फार्मेसी वाला भी डॉक्टर कहता है मैं डॉक्टर हूँ, और आजकल पीएसएन वाले भी कहते हैं डॉक्टर है। तो ये भी जंग चला, फटा चल रहा है बड़ा। फार्मेसिस्ट कहता है नहीं तोड़ के नहीं खानी है, वो कहता है तोड़ के खानी है। हम कंफ्यूज है, क्या लगता है तोड़ के खाने से? 1000 ग्राम की है, तोड़ देते दो टुकड़ों में टूट जाएगी, 500 बोले आलू उधर चला गया, तो बूटी उधर चली गई, तो पहले खोलो फिर आधा करें कि भाई पैसे आधे आधे दिए हमने। सो इफ यू आर सो मच कंसर्न फॉर अ 120 रुपीस बिरयानी, सो व्हाई नॉट फॉर द मेडिसिन। फिर कुछ बच्चे कहते हैं वो ले आते हैं, अभी आपको मैंने बताया ना, आप इसको सर्च कर लोगे, कोई ये क्यों ऐसा होगा। तो उसको एक कंपनी का पेज मिल जाएगा, उसके नीचे लिखा होता है ये दवा तोड़कर खाई जा सकती है। वो ले आता है, अगले दिन पहुंच जाता है। सर आप बोले तोड़ के नहीं खानी है, तो मैं उसको कभी कभी, अभी इंटरनेट नहीं है बट आप लोगों को भी दिखाता, वो सिगरेट का ऐड आता है, ठीक है मैं बता देता हूँ, सिगरेट का ऐड आता है, वो सिगरेट का ऐड उसको दिखाता हूँ, उसमें K2 पीता है और पहाड़ पे आधी हवाम इतने में लेने निकल जाती है कि हम पहाड़ जाते हैं। जब खत्म हो जाता है तो जल्दी से एक आदमी बोलता है तब आप दूसरी जगह मुझे बता दें सर भाई ये क्या था तमाम खुशी से क्यों बोला भाई, गवर्नमेंट कहती है दैट्स नॉट राइट। तो ऐड क्यों चलाया? ऐड तो चलेगा, इतने में तो बंदा दो तीन पैकेट ले आता है कि मैंने भी आप तो मैं K2
सतपारा को गया गया था, मैं भी होकर आता हूँ, चक्कर लगा के आता हूँ, वो वाली फ्लाइट उसने मिस कर दी. सो दैट्स द बिग इशू. कंपनी को तो बेचना है ना, सो कांट ब्रेक अप द टैबलेट. फिर लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं ये दवा है ना, बच्चा है छोटा, ये गोली नहीं खा रहा. अच्छा गोली नहीं खा रहा, क्या करें, गोली देते हैं, थोड़ा उसको तोड़ते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ी चीनी डालते हैं, जूस वूस मिलाते हैं, बच्चों को देते हैं. ये जानलेवा साबित हो सकता है और होता है. That's very dangerous. आप लोगों को एजुकेट करने का मकसद ये कि we need this much information. ये सरासर गलत है भाई. बनाना होता कंपनी नहीं बना लेती. किसी चीज की टैबलेट है, किसी का सिरप है, तो कहीं तो साइंस है ना. मतलब उस दौर से तो निकलना पड़ेगा ना, कि हम कहें कि कंपाउंडर वाली जिंदगी चल रही है, दो मिक्सर, एक ही मिक्सर. मतलब हम जब स्कूल में होते थे तो बड़े होकर ख्याल आया कि हमने तो पूरी जिंदगी एक ही दवा पी है. नीले रंग की दवा होती थी, सर को बोलते थे पेट में दर्द है वो भी नीले दवा पिला रहे हैं, पाँव में दर्द है नीली दवा पिला रहे हैं, सर में दर्द है उल्टी हो रही है, जिसको जो मसला आ रहा है नीली दवा पी रहा है. हम इस दौर से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उस नीली दवा से पता नहीं हुआ क्या होगा, हमें तो पता भी नहीं है हमारे साथ क्या नुकसान हुए थे. व्हाट्स द साइकिल जिसमें आप लोगों को इंटरवीन करना. द साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन टू द क्वालिटी कंट्रोल टू द क्वालिटी एश्योरेंस एंड अल्टीमेटली टू द पेशेंट. व्हाट इज द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल मींस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टैबलेट पैनाडॉल, तो पैनाडॉल में सर पैरासिटामोल है, पैनाडॉल में स्टार्च है, पैनाडॉल में लैक्टोज है, पैनाडॉल में मैग्नीशियम सिरेट है, पैनाडॉल में सीरिक एसिड है, पैनाडॉल में लैक्टोज डिफरेंट ग्रेड्स के. उसको बनाया जाएगा ना, उसका कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोडक्शन. व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? फॉर एग्जाम्पल, हुआवे इज अ कंपनी जो फोन बनाती है, या एप्पल इज अ कंपनी जो फोन बनाती है, 1.5 लाख रुपए का फोन है. अगर एक दिन में 2 लाख भी बनाएगी तो वो 2 लाख के 2 लाख को टेस्ट करेंगे. आवाज आती है, फोन जाता है, तस्वीर खींचता है, चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही है. लेकिन अगर एक कंपनी दवा बना रही है तो आपके ख्याल में क्या वो तमाम दवाओं को चेक करती है? अगर चेक करना शुरू कर दिया ना, तो वही वाला मामला होगा कि आप माचिस खरीदने गए, पूरा माचिस लिया और वहां खड़े होकर चेक कर रहे हैं, पहला जल गया, दूसरा जल गया, 100 अंदर रख दिए, घर आके कह रहे हैं अब सारे जल रहे हैं. चेक कर लिया मैंने, परफेक्ट, अब जलेंगे दोबारा. क्योंकि टेस्ट करने के लिए तो कुछ पानी डालना होगा, कुछ तोड़ फोड़ करनी होगी, कुछ केमिकल डालने होंगे. तो अगर 6 लाख दवाएं बनाई और उसको ये अटक कर दी हमने, तो फिर तो कंपनी दवा बनाती रहेगी, टेस्ट होता रहेगा, पेशेंट बार इंतजार कर, अल्लाह करेगा जी खुली आ जाए तो मर रही है, काम आ सकती है. सो वी कांट चेक ईच एंड एवरी टैबलेट. तो फिर क्या करना पड़ेगा? वी नीड क्वालिटी एश्योरेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एचओडी ऑफ अ डिपार्टमेंट, और मुझे देखना है कि मेरी पूरी फैकल्टी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, मेरी क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं. तो क्या हर क्लास में जाके बैठते हो, पूछे 40 मिनट इसकी क्लास की, इसकी हुई तो वॉली मिस हो गई, अरे वो कर लेगा. करते करते अपना कोई काम नहीं हो रहा, मैं यही काम कर रहा हूँ, दैट्स नॉट अ गुड मैनेजमेंट. लेकिन क्यूए क्या कहता है? क्यूए कहता है सुबह उठ के 10:15 बजे एक चक्कर लगा लेते, एक क्लास में देखा टीचर मौजूद है, उस क्लास में देखा टीचर मौजूद है, उस क्लास में देखा टीचर मौजूद है, बोले टीचर नहीं है, क्यों टीचर नहीं है, टीचर को बुला लिया बिठा दिया. दैट्स व्हाट क्वालिटी एश्योरेंस इज डूइंग. वो आधे घंटे में एक घंटे में इंस्पेक्शन करने को आती है, और क्वालिटी एश्योरेंस वाले की जो नजर होनी चाहिए वो बड़ी खतरनाक होनी चाहिए. वो नॉर्मल नहीं है. मतलब मैं इस कमरे में अगर एक क्यूए इंस्पेक्टर बन के घुसूं तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा कि इस कमरे में कलर बहुत अच्छा हुआ. क्योंकि आप लोग जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, फ्लक्स आप लोगों को पता है क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी आप लोगों को पता है क्या होता है. अगर इधर शॉकिंग पिंक कलर हुआ हुआ होता है, लाल रंग हुआ हुआ होता, 10 मिनट से ज्यादा आप इस क्लास में बैठे नहीं सकते. सो दैट्स अ गुड फ्लक्स इन द रूम. कहां पर डिम करना है, कहां पर ज्यादा करना है, लाइट कैपेसिटी इज गुड इन द रूम. ये एक इंस्पेक्टर देखता है व्हेन ही एंटर्स इन एनी ऑफ द एरिया. आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, लेट मी शेयर सम एक्सपीरियंसेस. बहुत शुक्र है अल्लाह का कि जिन लोगों के साथ काम किया वो भरपूर सिखाने के दिल रखते थे, जिगर रखते थे कि लोगों को सिखाएंगे. मैं इंडस्ट्री में गया काम करने, मैं वहां पर ट्रेनी अपॉइंट हुआ, अच्छी सैलरी भी मिल रही थी. मुझे कहा गया कि आपने 15 दिन कुछ भी नहीं करना है, खाली घूमना है इंडस्ट्री, और जो जिधर बैठा है जाके उसको सलाम कर दें. तो पढ़ाई कोर्स में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मजे लगे पड़े. सुबह जाता हूँ घर में, पूछा तू क्या करने जाता, कुछ भी नहीं, सलाम करता हूँ, खाना खाता हूँ, सलाम करता हूँ वापस. व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर 15 डेज? मैं अपने मैनेजर के सामने बैठा, भाई सलाम कर लिए सबको, मैंने कहा जी, बोला जी बताओ कौन सा दरवाजा अंदर खुलता है कौन सा बाहर खुलता है, ठीक है अब क्या करना है देखो. अब एक कमरे में जा रहा हूँ, ये वाला अंदर खुलता है, वाला बाहर खुलता है, ये वाला अंदर खुलता है, वाला बाहर खुलता है, ठीक है. मैं भी घबरा रहा हूँ, अजाब होगा फिर मेरे लिए.
अब अंदर जाके बैठा, मैंने कहा सर वो पता लगा लिया, वो फला साहब का दरवाजा अंदर खुलता है, फला साहब का दरवाजा बाहर खुलता है, ये सवाल नहीं है, सवाल दूसरा है। किस में पॉजिटिव प्रेशर है, किस में नेगेटिव प्रेशर, इधर दिमाग खुल गया। मैंने कहा अब मैं बता सकता हूँ कि जो दरवाजा अंदर खुलता है वहां प्रेशर क्या होगा, जो दरवाजा बाहर खुलता है वहां प्रेशर क्या। एंड दैट लर्निंग मैं आज आपको अभी खड़े खड़े फार्मास्यूटिकल डिजाइन बना के दे सकता हूँ। दिल के अंदर बैठ गया, 15 दिन मजाक मजाक लग रहे थे मुझे, लेकिन क्या सिखा दिया उसने। सो फिर मैं खामा खामे उस शख्स के पास जाता था, कहता था मैं डिपार्टमेंट चेंज कर चुका था, अभी तक भी मैं उनसे रबते में हूँ। मैं कहता हूँ सर वो काम तो दे मुझे, वो कभी कभी सैटरडे को बुलाते हैं मुझे, टूटी फूटी भी टैबलेट्स देते हैं, कहते हैं वो सही करते हैं। सही कैसे होगी, दैट्स प्रोडक्शन, दैट्स फार्मेसी, उसमें क्या चीज डालनी है क्या नहीं डालनी है, दैट्स व्हाट यू नीड टू। और उन्होंने किस्सा भी सुनाया था बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं जब अपॉइंट हुआ था तो वहां पर एक बंदा ऐसा भी था, 2.5 लाख रुपये सैलरी मिला था मेरी, कुछ नहीं तो नहीं थी कम थी। हमारे एक दिन बोला, मैं कैसे आता, मैं भी 9 बजे हूँ जाता, मैं भी 5 बजे हूँ, इससे तो थोड़ा ज्यादा ही काम कर लेता हूँ, ये तो खाली दो चार साइन वाइन करता हूँ, 2.5 लाख रुपये ले रहा है, मैं फिर भी थोड़ी मजदूरी भी कर लेता हूँ, उधर से वो वीकेंड भी उठा लेता हूँ, काम भी कर लेता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि कंपनी में दो जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो डिफरेंस आता है, जो आप भी आके फेस करेंगे, यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि अगर मिसाल दी उन्होंने कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को भेजा और बुलाया, नीचे देख क्या काली गाड़ी खड़ी हुई है, अभी देख क्या वो नीचे क्या सर काली गाड़ी खड़ी हुई है, आप खड़ी ऊपर आ गया, बोला साहब काली गाड़ी खड़ी हुई है, चौकीदार का बोला काली के पीछे सफेद खड़ी हुई, बोला मसला ही नहीं देख क्या, फिर वो नीचे क्या बोला काली के पीछे सफेद खड़ी हुई, बोला काली के आगे ब्लू खड़ी हुई, मसला ही नहीं अभी देख क्या, फिर वापिस नीचे का बोला नहीं खड़ी हुई, बोला कौन सी कलर की खड़ी हुई, मसला ही नहीं है अभी देख क्या। वो फिर नीचे जाता 6 चक्कर लगा लेगा, वो उसको रोक के कहता है मैनेजर को बुलाता है, तू इधर आ, नीचे देख क्या काली गाड़ी खड़ी है, वो जाता बता खड़ी, बोला काली में सफेद खड़ी, बोला खड़ी तो सफेद के आगे ब्लू खड़ी थी, नहीं खड़ी कौन सी खड़ी थी, लाल खड़ी, बोला पूजा कर रखा हूँ। उस फिल्म को कहता है भाई तेरे को मैंने मैनेजर लगा दिया और दुबई भेज दिया डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, वापिस आया अभी तुमने तीसरा पेज साइन किया था, चौथा किया था, अभी हो गया तो भाई दोबारा जाएगा चौथा पेज देखने के लिए, तूने एग्रीमेंट साइन किया अभी टिकट करा देना चाहता हूँ। सो अ शार्प माइंड विल डू वन विजिट एंड विल वॉच ईच एंड एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाट्स एक्चुअली। आप जब टेबल पर डिमांड करते हो ना अपने बॉस से सैलरी, तो बॉस भी तो जानना चाहता है वो आता क्या है, किस बात की सैलरी बढ़ा देंगे, मसला नहीं है कंपनी का पैसा, घर से तो मैं लाया नहीं, लेकिन फॉर व्हाट रीजन, व्हेन यू से मुझे ऑब्जर्वेशन आती है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, जो कुछ भी आपने पढ़ा अगर आपको पता है, यू विल नीड व्हाट क्वालिटी कंट्रोल इज शोइंग, ही इज चेकिंग समथिंग। ये कंप्यूटर भी आता है ना, इसमें भी एक स्टैंड लगा होता है क्यूसी चेक। अच्छा अब होता पता क्या, लेट मी शेयर सम रियल लाइफ केसेस विद यू। हम इस वक्त ऑन एयर भी हैं तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दीज आर द रियल केसेस। इन 2010 एक कंपनी ने खांसी का शरबत बनाया, नॉर्मल की था, 200 बच्चे मर गए, क्या हो गया 200 लोग बच्चे, वो है जो रिपोर्ट हुए लाहौर का एक हॉस्पिटल का, उसमें मर गए। कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हुई, सबसे पहले किससे पूछताछ हुई, प्रॉपर्टी वाले से, भाई तुमने सही चीज दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सही चीज, प्रोडक्शन भाई तुमने सही बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह क्यूसी तुमने सही चेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही चेक किया था, क्वालिटी एश्योरेंस सही चेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सही चेक किया था। अच्छा पेशेंट जिसने खाई वो तो बेचारा मर गया, अल्हम्दुलिल्लाह बोले जैसा रही वो तो है नहीं, वो तो गया इस दुनिया से। पाकिस्तान ने केस बंद कर दिया स्कॉटलैंड यार्ड, हमें ऐसा लगता है स्कॉटलैंड यार्ड खाली किसी कतल वतल होता है ना उस पर आती है, वो हर इन्वेस्टिगेशन में आती है, मैच हार जाते हैं उस पर भी इन्वेस्टिगेट करती है। स्कॉटलैंड यार्ड ने पता क्या लगाया, रॉ मटेरियल गलत डिस्पेंस हुआ था, ईच पाउडर वॉज व्हाइट, सो जो देना था वो दिया नहीं। हलवा बनाते हैं ना आप, सूजी से बनता है, आटे से बनता है, अगर उसकी जगह पर आपको सिर्फ चीनी पीस कर दे दी जाए हलवा बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उसका अलग डोमेन है, उसका अलग डोमेन है। 200 लोग मार दिए, वो रिस्पॉन्सिबल कुछ भी नहीं, सबने तो कहा था हमने सही किया, बाद में पता लगा, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग एरर की मैथ आप लोगों को ना बड़ा जगह जगह पर बचाएंगे। भाई मैथ कैसे बचाएगी, मैथ बचाती है कि जी हम एक महीने में ऐसे कोई 20 करोड़ टैबलेट्स बनाते हैं, उसमें से अगर एक बैच खराब हो गया तो कितना परसेंट निकलेगा, 20 करोड़ का 1% निकाले तो कुछ भी नहीं आएगा ना, तो साइंस ने बचा दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस वक्त हो रहा है 11:36 और 11:40 पर इस कमरे में एक बंदा मर जाए, 11:40 में कोई यहां पे होगा, मैं भी नहीं, मैं भी भाव मतलब मैं फिलहाल जा रहा हूं, कल बात करते हैं, अभी नहीं, खबर मिली है एक बंदा जाएगा। चलो एक बंदा कितने लोगों में, हम 60 लोग तो होंगे ना,
साथ में अगर एक बंदा जाता है कोई मसला है स्टैट्स लगाऊं अगर तो आप लोग सिक्स सिग्मा और क्या ग्रीन बेल्ट लगाते हैं सब तो मसला ही नहीं है दीज आर सिंपल पॉइंट्स लेकिन आप बार बार क्या सोचेंगे मैं तो नहीं हूं इधर देखेंगे ये तो सही लग रहा है मैं तो नहीं हूं सारे सही है सब सांस ले रहे हैं पूरे कुछ हो रहा है सो स्टैट्स यार नहीं चलेगी मैथ्स यार नहीं चलेगी यू नीड टू प्रोवाइड योर 100% व्हेन इट कम्स टू टारगेट सो दिस इज द टर्म जो 3 साल पहले बहुत ज्यादा उछली और फिर लोगों ने इस पर काम किया द टर्म इज द ड्रग विच इज टेस्टेड इज नॉट यूज्ड एंड द ड्रग विच इज यूज्ड इज नॉट टेस्टेड जो माचिस वाली बात मैंने आपसे कही थी वो साइंटिफिक बात है जो दवा इस्तेमाल हुई वो किधर गई फेंक दी टूट गई थी कचरे में डाल दी और जो दवा आपके पास घर में आई है क्या वो चेक हुई है नहीं जब वो दवा चेक नहीं हुई है तो आप उसकी इंटेग्रिटी कैसे यकीनी बनाते हैं कि वो सही है कंपनी का नाम पढ़ के ऐसे ही आप कंपनी का नाम देखते हैं कंपनी जीएसके है कंपनी फाइजर है कुछ लोग अपनी हेल्थ के लिए बड़ा कंसर्न होते हैं और गूगल भी करते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है मिसाल के तौर पर एक कंपनी नजर आ रही है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप कंपनी की इंटेग्रिटी पर बात करते हो और कंपनी की इंटेग्रिटी कैसे डेवलप होती है आप लोग यू आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आप कंपनी को डेवलप करेंगे तो कंपनी का ट्रस्ट डेवलप होगा एक जंग बीच में चली कभी कभार मौका मिल जाता है टीवी पर भी चीजें नजर आती हैं एक लफ्ज था ब्रांड एक लफ्ज आता है जेनरिक ब्रांड ड्रग एंड जेनरिक ड्रग ब्रांड ड्रग होती है जैसे मिसाल के तौर पर पेनाडोल सुना होगा आपने कैलकोल सुना होगा आपने फिब्रॉल सुना होगा आपने शेर वाली गोली सुना होगा आपने ये सब सर के दर्द की गोलियां ये ब्रांड कहलाती है जैसे नाम है और जेनरिक का मतलब होता है पैरासिटामोल ये भी सुना होगा कभी नाम आपने आप दवा किसे मांगते हैं जेनरिक से या ब्रांड से आप ब्रांड से मांगते हैं भाई मुझे पैरासिटामोल चाहिए मुझे फिब्रॉल चाहिए मुझे सीबॉश चाहिए मुझे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन चाहिए आप ये डिमांड करते हैं ना एक जंग चली पिछले साल के नहीं ये जेनरिक से मांगने वाला मामला शुरू करते हैं ब्रांड वाला मामला खत्म कर दें क्या पेशेंट आके क्या बोलेगा स्टोर वाले को पैरासिटामोल चाहिए अब स्टोर वाले की मर्जी वो कोई भी दे दे इज इट एक्सेप्टेबल टू यू एज अ पेशेंट ये बात तो बिल्कुल वैसे ही होगी कि आप फूड पांडा खोलते हैं तो आप फूड पांडा में सर्च करते हैं यू नीड केएफसी ब्रोस्ट यही वाला चाहिए बिकॉज ट्रस्टेड है अब होने क्या जा रहा है फूड पांडा पूछता है खाना क्या है ये बता दो देंगे हम अपनी मर्जी खाली लिखो ब्रोस खाना है ब्रोस कौन सा मैं घर में तल के दूं या केएफसी से ला के दूं मेरी मर्जी है क्या आप एक्सेप्ट करेंगे नो सो इन द फाइट ऑफ ब्रांड वर्सेस जेनरिक हम कामयाब हुए कि हमने ब्रांड को लीड करवाया नुकसान भी बहुत है इसके आपने सुना होगा डॉक्टर्स इसमें कमीशन पर आते हैं डॉक्टर को फ्रिज एसी एयर कंडीशन मिलता है ये सब करने के लिए ठीक है लेकिन इसके लिए हम सिस्टम को बिल्कुल डाइवर्ट या गलत नहीं कर सकते कभी कभी डॉक्टर से बात होती है तो उनको हम कहते हैं यार डॉक्टर साहब ने सुना है आप लोग यार ये दवा रखवाने के ट्रिप ट्रिप करते हो कहीं दुबई उबई निकलते हो बैंक ऑफ टैलेंट निकलते हो तो वो कहते नहीं अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी अलायंस बना ली है अब हम कंपनी को कहते हैं दुबई उबई नहीं जाना हमें उम्र उम्र पर भेजो वो कराएंगे ठीक है So now, another picture of 23 and me. इतना पता होगा कि आप लोगों के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। और अगर उसको पेयर में कन्वर्ट कर दें तो वो 23 बन जाते हैं। This is a US-based company जो कहती है कि आप अपना सलाइवा दें या ब्लड दें हम आपको आपकी दवा बनाकर देंगे जो अगर मजर साहब इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ मजर साहब को ही काम आएगी अगर सर अली इस्तेमाल करेंगे तो उनको काम नहीं आएगी और सर अली की दवा सर साकिब इस्तेमाल करेंगे तो उनको काम नहीं आएगी दैट इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड दैट इज इन्वॉल्विंग एआई अब एआई पर आ जाते हैं एआई क्या कर रही है एआई कहती है सलाइवा के अंदर जीन्स हैं जीन्स के अंदर डीएनए है डीएनए सबका अलग अलग होता है डीएनए के दो पार्ट होते हैं एक कोडॉन कहलाता है एक एंटी कोडॉन कहलाता है कोडॉन बाप का और बच्चों का सेम होता है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि शख्स कौन है और एंटी कोडॉन सबका डिफरेंट है जैसे मेरा फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है दैट्स माय आइडेंटिटी तो मेरा आइडेंटिटी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मेरे बारे में बताता है उस मेरे बारे की चीज को मशीन को दे देते हैं और मशीन उस मेरे बारे की चीज पे सब कुछ पता लगा देती है और फिर उसकी मेरे हिसाब से दवा बनाकर देती है एक घर में अगर 3 भाई हैं और 3 भाई में से पहला भाई बीमार होता है अम्मी को पता है कि ये थोड़ा सा जब बीमारी होती है तो इसको सूप पसंद है तो अम्मी उसकी बीमारी में सूप बना कर देती है दूसरा भाई जब बीमार होता है तो अम्मी को पता है जब ये बीमार होता है तो खिचड़ी खाता है तो अम्मी खिचड़ी बनाकर देती है तीसरा भाई जब बीमार होता है अम्मी कहती है इसे कुछ भी चलता है
तो वो सूप भी बना सकती हैं, खिचड़ी भी बना सकती हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द मदर। सो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अम्मी से ट्रांसफॉर्म किया 23andMe ने, और 23andMe आज इस वक्त पूरी दुनिया में आपके लिए ऑनलाइन गूगल पे सब अवेलेबल है। That's complete science. We'll play 23andMe, वो आपको बोलेगा, this is the kit, हम आपको ये भेजेंगे DHL से, आप इसमें अपना saliva दे दें या ब्लड का एक ड्रॉप दे दें, हमें भेजें, हम आपकी पर्सनल दवा बना के भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये काम SIUT कर रहा है, पाकिस्तान में ये काम दाव कर रहा है, पाकिस्तान में ये काम शौकत खान कर रहा है। कि वो कैंसर अभी वो सिर्फ एक एक जगह पर है, वो किडनी पर कर रहे हैं, वो कैंसर पर कर रहे हैं, लेकिन सोनर और लेचर ये खा जाएगा सब लोगों। फिर क्या होगा, जो डॉक्टर हजरात बैठे हुए हैं, जो पहले आपसे 6-7 सवाल करते हैं, फिर 12 टेस्ट लिख के देते हैं आपको, फिर 12 टेस्ट को आके आपको चेक करवाते हैं, फिर वो आपको आगे बोलते हैं, इन सब का क्या होने वाला है, फ्यूचर खा जाएगा इन लोगों का। अगर आप उसी रेस से चलेंगे, आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, सीएसआईटी में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो फास्ट मूव करवानी होती है। सो वी आर moving for the fractures in AI, we are moving for the diabetic nephrotrophy, we are moving for the cancer, we are moving for hypertension, for stroke, for tuberculosis, artificial intelligence, ab diagnose kar raha hai. Diagnosis pehle kaam kiska tha? Doctor ka. Kisse karwa rahe? Sir, aap kis pe trust karenge? Doctor pe ya robot pe? Robot pe. Error free hai. Doctor to kenchi bhi bhulta hai andar. Toliye bhulta hai andar. रोबोट का एक भी केस नहीं है। इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 इज एफिशिएंसी एंड नो ह्यूमन बीइंग इज 100% एफिशिएंट, बट मशीन्स आर डूइंग दिस। व्हाट दैट बोन, और सो दिस इज अ 3D प्रिंटेड बोन। व्हाट 3D प्रिंटेड बोन, बोन प्रिंट होती है। व्हाट एक्चुअली अ प्रिंटर इज डूइंग, जो सामने था वो निकाल के देता है ना, सादा है तो सादा निकाल के देता है, कलर है तो कलर निकाल के देता है। मुझे मोटे पेपर तस्वीर खिंचवाई है मैंने अपनी, अब उन बेचारों का भी काम आधा हो गया जब से लोगों को ये वाला काम आ गया। फोटो खिंचवाने जाते थे पहले तो वो पहले थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, कान ऊपर कान नीचे, आप बैठे थे फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ा आसान कर दिया। दोस्त को बोलता है इधर जरा फोटो खींच, मेरी इधर करो, क्या फोटो खींचते हैं उसको कंप्यूटर में डालते हैं, प्रिंटर वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं यार वो ग्लॉसी पेपर पे इसके 12 प्रिंट निकाले, 20 रुपए में 12 तस्वीर, फिर काट लिया खुद और चला दिया। तो इस तरफ हम आ गए ना, तो वो ग्लॉसी पेपर पे दे रहा है, मैंने ग्लॉसी पेपर रखा था। इधर साइंस ने कहा है, साइंस सोचती है, साइंस कहती है जब सादा प्रिंट आ रहा है तो काम करते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, जो बोन की कंपोजिशन है, और देखते हैं क्या करता है। तो उसने बोन प्रिंट करके दी। ये काम कब किया, काम 6 साल पहले आपके एक्सपो सेंटर में किया, कराची में लगता है एक्सपो सेंटर, इधर अक्सर एक्सपोज लगते हैं 23, 24, 25 नवंबर को। इफ यू ऑल आर फ्री, फार्मा एग्जीबिशन होने जा रहा है 3 दिन, सुबह 10 बजे से 7 बजे तक जरूर जाएंगे। हम भी एक दिन अपनी टीम लेकर वहां जाएंगे, विजिट करेंगे, तो सारी कंपनी वाले आते हैं, सारी मशीन्स होती हैं, वो आप लोगों के लिए बड़ा इनोवेटिव होगा। कोई एंट्री पासिस नहीं होते हैं, बस ऑनलाइन देख लें डेट्स और टाइम, आप वहां पर जा सकते हैं। सो ये देखिए, दैट्स अगेन अ 3D प्रिंटेड मशीन। ये एक पार्ट है हमारी बॉडी का, उस बॉडी पार्ट में, उस गर्डल में एक और पार्ट ऐड कर दिया, तो वो नकली ही लगाया ना, नकली कौन लगा रहा है, नकली लगाने के लिए साइंस आनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाला कहता है यस मैं बना सकता हूं, अगर उसको साइंस नहीं आएगी पता नुकसान क्या होगा। ये जो हड्डी है ना मेरी, इस हड्डी की एक लिमिटेशन है, इस वाली की, ये इधर मूव करती है, इधर मूव करती है, पता लगा है, किसी नॉन साइंस ग्रेजुएट से बनवाया, हड्डी बेहतरीन है, बाहर से घूमे रहा तो रुक चुकी ना भाई, इधर वो चीज ही नहीं लगाई जो रुकनी, वो तो मेडिकल वाले को पता थी, तो यार ऐसे भाई हुआ क्या है, क्यों वाइब्रेशन मोड पे मौजूद है भाई ये। मेडिकल स्टोर है जहां पर एक बंदा खड़ा हो गया आपसे पूछता हाँ कौन सी दवाई, फिर आप उसको बोलते हैं मेरे को पढ़ना नहीं आता भाई, उसने कुछ लिख के दिया है, देखो अच्छा ये चाहिए, निकाल के देता है, गलती कर सकता है वो निकालने में। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं लासा, लुक अलाउ, लुक अलाइक, साउंड अलाइक, देखने में एक जैसी। जैसे मेरे अपने घर में एक दफा जब अब वो हयात थे मेरे, वो गोली लेके आए, खा रहे थे, वो कौन सी गोली खा रहे, पैनाडॉल लेके आया, दिखाया जरा, मैंने देखा उसमें डेनेडॉल लिखा हुआ था, वो डी की डंडी ऐसी लगाई थी, पी लग रहा था, बाकी पूरी स्पेलिंग सेम थी, कलर सेम था, मैंने कहा पूरी दवा जाली है, बोला यार जाहिर उनको तो नहीं पता था कि वो दवा ऐसे चेक भी करनी होती है, तो वो तो ये भी पड़ी हुई होगी। आधी ज्यादा आवाम तो हमारी रंग देखकर दवा मांगती है, डॉक्टर साहब पीली वाली दवा दे दे, पीली वाली नहीं, उसका नाम अब ये हो गया, नहीं एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती नहीं पीली वाली दवा चाहिए, लाल ढक्कन वाली दवा चाहिए, उस बार शेर बना हुआ था, छोटा बच्चा बना हुआ था, उसके हाथ में अमरूद था, वो वाली दवा चाहिए। सो रोबोट ये आपको निकाल कर देगा और बहुत स्मार्टली निकाल कर देगा।
दिस इज अ रोबोट इन हॉस्पिटल सेटअप, दिस इज समथिंग अदर, जहां पर इंसान में इंसान नहीं है। इस पे देखो लिखा है पेशेंट में कंटेन कीमोथेरेपी ड्रग, लोगों को बोला भाई आप इधर उधर रहे, इसमें कैंसर की ड्रग्स भी हो सकती है, ये गलती नहीं करेगा, ये उसी बंदे को जाकर देगा, कोड्स लगे हुए होंगे, सिस्टम्स लगे होंगे। अच्छा सबका ख्याल क्यों आया और मुझे क्यों ऐसी सोच आई कि यस वी कैन मेक अ रोबोट। मैं एक दिन घर पर बैठा हुआ था, मेरी छोटी बेटी एक गेम खेल रही थी टॉम कैट के नाम से, तो उसने मुझे कहा पापा ये टॉम कैट खेल नहीं रही मुझसे। मैंने उससे लिया मैं क्यों नहीं खेल रही, तो मैंने देखा उसको नींद आई, तो बटन बन गया, मैंने कहा 15 मिनट बाद सना इसको उठाएंगे फिर ये खेलेंगे, और 15 मिनट बाद उसने खेलना शुरू किया। सो मैं टॉम कैट में इतनी प्रोग्रामिंग हो सकती है, सो व्हाई नॉट अ रोबोट। टॉम कैट को पता है नींद आई, खेलना नहीं है, हंसना नहीं है, हंसा रही हो खड़ी शुरू कर रही नहीं, क्यों नहीं हंस रही भाई, क्योंकि उसको नींद आई हुई थी, उसको भूख लगी हुई है, उसको नहाने जाना था, उसको फ्रेश होना था। जब वो सब कर सकता है तो मैं और आप मिलकर क्यों ना एक ऐसी चीजें डिजाइन कर दें, ये भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना जो वो उसको बता रही है, वरना टॉम कैट का सच में सोती है। बैंक से मोबाइल फोन इंटीग्रेटेड होते हैं हमारे, बैंक में तनख्वाह आती है, मोबाइल पर मैसेज आता है आपकी सैलरी आ गई है, फोन में फूड पांडा इंस्टॉल हुई है। पिछले 3 महीने से जैसे ही मेरी सैलरी क्रेडिट होती है फूड पांडा का ऊपर नोटिफिकेशन आता है भूख लगी है। तनख्वाह तो आ गई होगी, हाउ यू नो इंटीग्रेट हुआ है, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको उसको मिला है अच्छा भाई, बाइक वाले का मैसेज आ जाता है, बाइक नाराज हो गया। कल मैं समझा वाकई भाई का मैसेज आया, मैं बोला भाई क्या निकला, इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ये देखिए, मैं समझा मेरा सच्चा भाई मैसेज कर रहा है मुझे। दैट्स अ रोबोट एंड दैट्स बीइंग सर्च डी एनी गेस इसी किस जगह की तस्वीर है, मतलब हमारा है बाहर है दुनिया में, ये रोबोट से सर्जरी हो रही है, रोबोट ने सर्जरी की है फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी एट सिविल हॉस्पिटल कराची, सिविल कर रहा है ये काम, जिसमें हम जाते ही नहीं है, जाने ही छोड़ दिया ना वहां पर, क्यों नहीं जाते, डॉक्टर ट्रीट नहीं करता, दुनिया बदल गई है। सिविल हॉस्पिटल में खामोशी से बैठकर रोबोटिक सर्जरी कर दी लोगों ने, चाहे हुआ ये कि ये शोर नहीं मचाते, और जो शोर नहीं मचाता असल में कामयाबी हो ही रहा होता है। जो शोर मचाता ये वैक्सीन का मामला था, हर दूसरे दिन टीवी पे आता था हमने वैक्सीन बना ली, एक यूनिवर्सिटी कहती हमने वैक्सीन बना ली, दूसरी कहती हमने बना ली, किधर है वैक्सीन, पाकिस्तान से तो नहीं बनी, वो किसी ने आगे बोला यार डॉक्टर साहब हम ना पता है वैक्सीन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अब ये करेंगे ये वैक्सीन बन जाएगी, मीडिया बनाओ, मीडिया के सामने करते, सो वी हैव डिसाइडेड वी विल बी मेकिंग अ वैक्सीन, कभी आएगी किसी को भी नहीं पता। अखबार में आज भी मौजूद है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिन्होंने ये कह दिया वी आर अबाउट टू रिलीज अ वैक्सीन, लोग खुश हो गए, वैक्सीन आ किधर से लिए, चाइना से लिए, आपकी वाली कायम है अब तक क्यों नहीं बनी, क्या कौन सी आंच पे आपने रखी है जो बन रही है। Now, this is a wild filling. आप लोग इंजेक्टेबल देखते हैं, वो जिसको हमारे यहाँ से तोड़ के इंजेक्शन लगाया जाता है उसको हम वाइल्स कहते हैं, ये मशीन फिल कर देगी ये, अच्छा ये घरों में यार ने भी देखा चम्मच वम्मच लेके उसको, चम्मच भी नहीं मिल रहा टेबल का कोना, वो स्टराइल होता है, स्टराइल का मतलब होता है आप उसको माइक्रो फ्री बनाया गया, आप उसको घर में नहीं खोल सकते, वो माइक्रो फ्री है, अगर आपने उसको घर में खोला तो आपने उसमें जरासीम दे दिए किसी, अच्छा आपके ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं पता कैसी है, सी वॉश आपने दवा इस्तेमाल की होगी, बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, एंटीबायोटिक है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, किसी ने नोट किया कि पहले उसके साथ पानी नहीं आता था, अब उसके साथ पानी भी आता है, छोटी सी बॉटल में आता है, उसको कहते हैं बायोस्टैटिक वाटर, कंपनी ने क्यों डालना शुरू किया, कंपनी को कंप्लेन मिली कि भाई हम इतनी महंगी महंगी एंटीबायोटिक बनाते हैं, ये लोग ठंडा पानी डाल देते हैं, ये फ्रिज से निकाल के पानी डालते हैं, उसमें उबला हुआ पानी डालना था, फिर उबला हुआ पानी भी डालते तो उससे उबाला हुआ ही नहीं होता, तो कंपनी ने कहा है ठीक है 20 रुपए का नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं, पानी भी दे दो यार इन लोगों को, वो दिन शायद नजीर के कंपनी से बंदा भी आएगा घर पर बना के देगा भाई ऐसे करना पड़ेगा ये। सो द नेक्स्ट वन इज मशीन लर्निंग, जिस दिन ये कामयाब हो गया ना मैं और आप शायद खत्म, मशीन ने अगर सीख गया तो आज एक बंदे की नौकरी है फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि उस मशीन को ऑन करना है, टाइमर देखना है 15 मिनट हो जाएंगे तो उस मशीन को बंद करना है, वो पूरा साल यही करता, लाखों रुपए तनखा लेता काम में भाई ऑपरेटर है, वो किधर जाएगा अगर मशीन ने खुद सीख लिया मुझे कब शुरू होना कब बंद होना, क्या मशीन ये सीख सकती है कब खुलना है कब बंद होना, कुछ सवालों के जवाब बड़े सिंपल होते हैं मैं नजर नहीं आते, घर में वॉशिंग मशीन तो यूज करते हैं ना खुद बंद होती है ना, टाइमर खत्म हो जाता है बंद हो जाती है, फिर आप जाते हैं दोबारा ऑन करने के लिए, तो एक छोटी सी कंपनी जो 20,000 रुपए की वॉशिंग मशीन बना सकती है
सो क्या वो मशीन को सिखा नहीं सकती व्हेन टू अप एंड व्हेन टू नॉट। मोबाइल फोन में आ गया था, ये सैमसंग ने स्टार्ट किया था फिर खत्म कर दिया, उसने आई सेंसर लगाया था फोन में, क्या आपने 15 मिनट अगर अपनी आंखों से दूर रखा फोन ऑफ हो जाए, क्योंकि उसमें आई सेंसर लगा हुआ था। एप्पल फोन अगर कोई यूजर है, हमारे फोनों का बड़ा मसला है ना, जेब में किसी को भी कॉल लग जाती है, पर्स में किसी को भी कॉल लग जाती है, एप्पल में जब तक ह्यूमन सेंसर टच नहीं लगता कॉल नहीं लगता, वो उसने वहां पर इंटीग्रेट किया हुआ। दैट्स मशीन लर्निंग। अगर ये मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर कंप्यूटर चलाना सीख लिया ना, एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाना सीख लिया और क्या क्या सीख चुका है कंप्यूटर मशीन लर्निंग से, वो आपको मैं बताऊंगा, तो आप ये सोचेंगे कि आप किधर खड़े हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मशीन को बनाया तो इंसान ने, ना मसला नहीं है भाई, मशीन अब बन चुकी है और मशीन कितनी खतरनाक तरीके से बन चुकी है शायद अंदाजा नहीं है। ये 4 नवंबर की एक खबर है, ये इसका रेफरेंस भी मौजूद है, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा आपकी फैकल्टी से, वो चाहे तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस पर हम कभी भी बैठकर डिटेल में बात कर सकते हैं। गिविंग रोबोटिक्स अ सोशल स्किल्स, रोबोट्स का सबसे बड़ा मसला क्या आया था, लोगों ने कहा भाई इनके अंदर सोशल स्किल्स नहीं है। सोशल स्किल्स का मतलब क्या होता है, मैं इस वक्त बोल रहा हूं आप चुप करके सुन रहे हैं, दैट्स अ सोशल स्किल। आपको आपके टीचर ने कह दिया बात नहीं करनी है, आप बात नहीं कर रहे, दैट्स द सोशल स्किल। रोबोट में ये नई थी अब आ रही है, रोबोट भी रिस्पॉन्ड करेगा, रोबोट इमोशंस रखेगा, वरना शुरू शुरू में रोबोट पर एलिगेशन ये था कि भाई हमने बना लिया एक रोबोट आर्मी के लिए और रोबोट को बोला हमने मारी गोलियां बॉर्डर पे खड़े होकर, सही है जी हमने एक बॉर्डर पे खड़ा कर दिया और 6 रोबोट खड़े हुए सामने गोलियां मारे, वहां से एक बंदा है उसने बोला टर्न होकर गोलियां मारा, उसको तो कमांड मिली है ना, चल भाई अपने ही लोग मार दिए सामने, दैट वाज अ बिग इशू, उसको कमांड मिला उसने कर दिया। सो नाउ 4 नवंबर इसी महीने की बात कर रहा हूं, सोशल स्किल्स पर बात कर रहे हैं हम, रोबोट्स की, रोबोट से काम लेना है। एआई न्यूज द सेकंड ऑफ 4th of November, 4 major impacts ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन हेल्थ केयर। दवा बनाने में, दवा का इस्तेमाल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भरपूर तरीके से सामने आ रहा है। 2019 दो लोग अपनी नौकरी खो गए, पहले होता ना हेलीकॉप्टर में एक बंदा बैठा होता था कैमरा लेके, हेलीकॉप्टर चलाने वाले के अलग नफरे, मैं इससे ऊपर नहीं उड़ूंगा, थोड़ा तो उड़ ले भाई, शॉट सही नहीं आ रहा, मैं नहीं यार मुझे आवाज आ रही, कर ले भाई यार बहुत झांडे का फोटो ना, अच्छा तेरे लिए खाली कर रहा हूँ, ठीक है। फोटोग्राफर के अलग नफरे, यार कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना, यार 8 बजे 8:30 तो मैं उठता हूँ, नाश्ता यार टाइम लगेगा, बोला यार खली वली करो भाई इसको, ये बनाओ घर पे बैठ के चलाएंगे, यहाँ से बैठकर आप मुझे कराची के किसी भी हिस्से में कहें मैं आपको उसकी रोबोटिक्स इसको भेजूं ड्रोन को और तस्वीर ला के दे दूंगा, तो किसी की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यार ये करना है वो करना है। दो लोगों ने नौकरी खो दी ना, कौन किसको मिली होगी ये नौकरी, जिसको चलाना आता होगा, जो पहले हेलीकॉप्टर चलाता था और जो पहले वो चलाता था उसके हाथ में गया, वो देख रहा क्या है ये, क्या ऐसे फेंकना है, करना क्या है इसका भाई, रिमोट से चलाना है, नहीं आता खत्म, आप ही नसी जाएंगे, आप इसी चीजें देखेंगे लड़े, ये तो मैं देखा ही नहीं है। तो पहले इंटरव्यूज होते थे बड़े डिफरेंट, अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको पता लगेगा, ऐसे 7 लोग बिठा देते हैं, पहला सवाल इससे आप इसका जवाब दो, नहीं आता तुम जवाब दो, उसको आता है अल्लाह करे कोई जवाब ना दे, अल्लाह करे कोई जवाब ना दे, इधर वाले ने जवाब दे दिया सवाल बदल गया, दीस आर द इंटरव्यूज, आमने सामने बिजनेस शुरू हो जाती है और बाहर बैठे होते हैं क्या किया, मैं बैचलर्स किया, नहीं क्या किया मैं एमफिल कर रहा हूँ, अंदर बैठे सारे सर दूसरा सवाल पूछेंगे, ये वाला मेरे को आ नहीं रहा, that actually happening in the industry is for interview. What's that? Tesla, Elon Musk. Elon Musk के इरादे भी बड़े खतरनाक है, जब मैं उसको पढ़ता हूँ मुझे डर लगता है, ये पता क्या करने जा रहा है, ये कहता है मैं एक टीम बना रहा हूँ, उस टीम को मार्स भेज रहा हूँ और ये चेक करता हूँ कि वो वहां पर जिंदा रह सकते हैं या नहीं, तो अगर वो जिंदा रह गए तो फिर मैं अगली गाड़ियां वाड़ी में घर नहीं बनाऊंगा, बड़ा पोल्यूशन पोल्यूशन है, अर्थ पे नहीं काम करूंगा, मैं जाऊंगा मार्स पे, मैं मार्स पे काम करूंगा, इधर हम तो दूसरी गली में जाने के लिए 6 दफा सोचते हैं पेट्रोल भराए कितना भराए, जाना है नहीं जाना है, शॉपिंग मार्स कर क्या रहा है, इसने ड्राइवर खत्म कर दिया, ड्राइवर लेस गाड़ी चल सकती है, चल तो रही है यूएस, कैसे चल रही है, भाई आपका ड्राइवर क्या करता है, मैं जब ड्राइवर के साथ बैठता हूँ उनसे पूछता है कहाँ जाना है भाई, उससे ज्यादा तो कोई बात नहीं करता हूँ, फिर वो गाड़ी ऑन करता है, देखता है लोग आ रहे इधर उधर, वो गली जा वो गली है, ये सब उसने खत्म करके इसको दे दिया। तो आप गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर नहीं पूछता, एक आवाज आती है वेयर यू वांट टू गो, यू वांट टू गो खारा दर, ओके बैठे पहुंचा देगा,
आप कहेंगे ब्रेक ब्रेक भी तो मारते हैं, वो वाला सिस्टम क्या खत्म हो गया, आदमी सामने आएगा उड़ा देना है, सेंसर लगा हुआ इसमें एक एक मीटर पे, जैसे ही कोई जिंदा चीज देखेगा रुक जाएगा, खुद चल रही है, पहला गियर दूसरा गियर सब कुछ खुद करेगा, हमारे पास पॉसिबल है यहाँ चलाना। ये मैं कल रात में ना अपनी अम्मी से शेयर कर रहा था स्लाइड्स बनाकर, ना अम्मी को दिखा रहा था अम्मी ये स्लाइड होगी, मैंने कहा इधर नहीं चल सकती बेटा ये गाड़ी नहीं चल सकती, मतलब चलेगी नहीं ये, तो इधर से स्कूटर आती है इधर से आती है, मैंने कहा ये गाड़ियां जा सकती है, वहां सारी गाड़ियां यही होती है अम्मा, ऐसा नहीं है कि रक्षे वाला भी आएगा बीच में, रक्षा भी फिर एलॉन मस्क का बना हुआ होगा, दैट इज द रीजन हम यहाँ पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन दुनिया पहुंच गई है सर। 2011 में ऑफिशियली लाइसेंस मिला था उनको, 2011 आज क्या है 2021, हमें पता नहीं क्यों लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अभी कोरोना ने बताया व्हाट इज एआई, दुनिया कब से काम कर रही है एआई पर, हु इज शी, शी इज वे डेंजरस, पता कहती क्या है, यदि मैं इंसानों को खत्म कर, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीन एंड बिकाइज खुद का है, ओके एट द स्ट्रगल्स बड़ी खतरनाक है। मैंने अपनी जो वहाँ कंप्यूटर लैब है ना उसमें अपने बैक पर पैनोफिल एक्सप्रेस की तस्वीर लगाई हुई है, रोज देखता हूँ, और वो पता है दुश्मन को रोज देखें तो आपकी दुश्मनी बढ़ती है, मेरी रोज बढ़ती है इससे दुश्मनी के, ये कैसे खत्म करेगी मुझे, और ये खत्म कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये 4-5 साल पहले बनी थी, इसने पिछले साल अपनी बहन बना दी, शी सोफिया शी दशा, ये कहती है हम 10 भाई बहन 8 औरत और भी बनाई थी, इंडिया की एक मूवी थी रोबोट, अच्छा इंडिया जब मूवी बनाता है ना बड़ा ग्लैमर डाल देता है उसके अंदर, तो हम साइंस तो देखते ही नहीं है, इंडिया की मूवी थी क्रैश, उसमें साइंस की क्लोनिंग पढ़ाई थी, उसने क्लोनिंग पढ़ाते पढ़ाते उसने इतना पढ़ा दिया कि एक बंदा हेलीकॉप्टर में पहुंचा है नसीरुद्दीन शाह, वो देर से पहुंचा है ऋतिक रोशन पैदल पहले पहुंच गया, 20-25 मिनट पहले पहुंच के देख रहा है वो कहां से आ रहा है, बहुत ज्यादा ग्लैमर कर दिया, लेकिन वो क्लोनिंग थी जिसमें क्लोन होते हुए दिखाया कि एक जैसे क्लोन कैसे बन सकते हैं, साइंस मिसयूज कैसे हो सकती है, इधर सोफिया है इसने कहा मैं ऐसा बना रही हूं, 8 और लोग हैं और कोई 6 हफ्ते पुरानी खबर है, इसने एक टीवी चैनल पर खड़े हुए बोला आई वांट टू बी, क्या करना चाह रही है इन लोगों, डेविड हैंसन ने बनाया हांगकांग में, यूएस ने फॉरन फोन किया, हम जितने मुजाहरे निकाल लेना जमीन पर फ्लैग बना रहे हैं बाहर, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका इन्वॉल्व है, बिजली अमेरिका इन्वॉल्व है, पेट्रोल प्राइसेस अमेरिका इन्वॉल्व है, वो इधर इन्वॉल्व है, उसके पास टाइम नहीं है वो सब करने का, उसने ले लिया, उसने कहा आई वांट अ बेबी, ये क्या करना चाह रही है, कहती है मैं हेल्थ केयर में आ जाऊंगी, अपने अपने आप को कैस्केड कर दूंगी हेल्थ केयर में, मैं कंप्यूटर साइंसिस में आ जाऊंगी, मैं मशीन लर्निंग शुरू कर दूंगी और दुनिया में मेरा राज होगा, और इसकी अच्छा ये बोलती भी है, ये फेसबुक पे भी है, अगर आप चाहें तो ये आपसे बात करती है, रोबोटिक्स ये डेफिनेटली मतलब इसके इमोशंस हैं जैसे लाइक आर्गुमेंट, ये फील करती है, इसकी ग्रेजुएशन स्पीच है, तो हमारे बच्चों को जब पता लगता है ना फेसबुक पर हाय सोफिया हाउ आर यू, ये वो बात नहीं करती है, इसे अब ये बात करनी है कि व्हाट्स योर न्यूरल स्कीम, न्यूरल स्कीमा क्या है, मतलब पाकिस्तान से जब भी मस्जिद जाता होगा बेचारी को यही जाता होगा, व्हाट डू यू ईट, जैसे हमारे यहाँ बचपन में मुझे याद है गार्डन में, आप लोग पता नहीं बचपन में गांधी गार्डन गए नहीं गए, वहां पर एक ऐसा कमरा बना हुआ था पूरी जिंदगी 5-5 रुपए हमने खर्च किया, जाए ये भी सवाल करते थे आप खाना क्या खाती है, देखा आप लोगों ने नाम क्या था उसका, मैं मुमताज है, बाद में पता लगा शेर वेर नहीं है, वो एक बंदा बैठा हुआ सुकून से, अंदर हम खुश होते थे शेर जैसा इंसान है अंदर, जैसा और बच्चा पूछ रहा है आप खाती क्या है, मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, चलो इतना टाइम खत्म दोबारा, सोफिया के साथ हमारे इमाम ये मुमताज वाला काम कर रही है, आप खाती क्या है, हुई सी ये इंडियन टीचर है कंप्यूटर साइंस का, इसको भी ये जोश चढ़ा सोफिया को देखकर कि मैं भी रोबोट बनाऊंगा, शी इज अ रोबोट, इसका नाम उसने रखा शालू, उसने सोफिया रखा शालू रखा, मतलब हम रखेंगे तो रुकैया टाइप का नाम रखेंगे, बना लिया, सो इसने बनाया कैसे पता, इसने बनाया बोतलों से कचरों से, क्यों बनाया बोला ये मैं जब लेक्चर लेता हूँ ना तो मेरी क्लास में हर तरह का बच्चा बैठा होगा, मलबारी भी होता है बंगाली भी होता है मराठी भी होता है राजपूत भी होता है, एक को पढ़ाता हूँ इंग्लिश में दूसरा बोलता है हिंदी में बोलो, हिंदी में पढ़ाता हूँ तो मराठी में बोलो, मराठी में पढ़ाता हूँ तो बंगाली में बोलो, बंगाली में, तो मैं तंग आ गया था, मैंने एक रोबोट बना दिया, इसमें कनेक्शन दे दिया, मैं जिस भी जबान में बोलूँ ये हर जबान में एक एक मरतबा समझाएगी, 82 languages इसके अंदर फ्यूचर लोकल लैंग्वेज, इंडिया कर गया, हम
दस विकेटों से हरा कर बहुत खुश है, दस विकेटों से हराया। कोई भी कोई बात करता है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप हमारा पहला ही मैच था और वो अफ्रीका, दस विकेटों से हराया और बात ही नहीं करनी। वो पिछले 12 हारे थे, हम 10 विकेटों से जीत गए। वो ये काम कर रहा है और वो भरपूर तरीके से कर रहा है। हम चाहेंगे कि हम में से भी कोई पूछे इस तरह का कोई छोटा सा रोबोट बनाए। पहला रोबोट जो दुनिया का बना था फोन उठाने के लिए था 1958। साइंटिस्ट तंग आ गया था, बार बार ऐसे करता था, बार बार ऐसे करता था, उसने रोबोट बना दिया। बेल बजती थी, रोबोट उठा के कान पे रखता था, तेरा फोन आया तू बात कर, आता जाता कुछ भी नहीं था। लेकिन सोफिया ने अब ये सारी चीजें शुरू कर दी कि नहीं जी ये कौन सी जगह, एक 1956 में हुआ था, एक 2021 में हो सकता हुआ। आज से 20 साल बाद कहीं प्रेजेंटेशन में चल रहा हो कि जी ये कमरा था, उस कमरे में CSIT के टीचर्स थे, उस कमरे में फार्मा बॉटिक्स पर बात हुई थी, नाउ फार्मा बॉटिक्स इज अ कॉपीराइट नेम और उस पर प्रेजेंटेशन हो रही है, बाहर एक तख्ती लगी हुई है कि 200 साल पहले कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने किया था। इज दिस पॉसिबल? इंशाल्लाह तो कम नहीं है। सो द रीजन बिहाइंड व्हाई आई वाज हियर, व्हाई डॉक्टर मज़ा इनवाइटेड, एक नई सोच आपको दे दी जाए कि आपने अपने कार्यक्रम के अलावा अगर कुछ चीजें पढ़नी होती हैं तो उन चीजों से आपको फायदा हो सकता है। हो सकता है बहुत सारी बातें जो मैंने आपके सामने की या आपको आता हो सकता है आपने देखा होगा, हो सकता है कुछ चीजें बिल्कुल नई हो आप लोगों के लिए और इतनी नई हो आप लोगों के लिए कि आज आप बच्चे तस्वीर देखते ना, इसमें भी ग्राफिक्स हुई हुई है, ऐसा ट्रांजेंस नहीं है, ये भी AI काम किया हुआ है। एंड नाउ द एनी क्वेश्चन जो छोड़कर आप लोगों के लिए जा रहा हूँ, जिसको आप लोग सोचते रहेंगे, शायद मैंने कुछ वक्त ज्यादा लिया, मेरे पास कम वक्त था लेकिन मैं फ्लू में एक घंटे पर ले गया इसको। एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, रोबोट्स और ह्यूमन, कौन जीतेगा इस रेस को? रोबोट। अगर इंसान ये कहेगा रोबोट जीत जाएगा तो गेम ओवर। आप इंसान है ना, इफ यू पीपल आर सेइंग नहीं बन सकता, वी नीड टू विन दिस रेस। कैसे जीत सकते हैं, मैं फिर वो तस्वीरें दिखाता हूं जिनकी आंखों में भरपूर तरीके की डिटर्मिनेशन थी, जिन्होंने कहा यस वी कैन डू इट, इसने कर लिया। ये अपने बनाए हुए मैक के साथ जो बैठा हुआ है, ये बड़े फखर के साथ बैठा हुआ बता रहा हूं मैंने कर लिया, अभी दुनिया बातें कर रही थी। ही सेइंग, रॉजर शैंक इज सेइंग यस वी डिड इट, हमने कर लिया। दे आर अवेलेबल ऑन ट्विटर, दे आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, they might be available on Facebook. Facebook पर ज्यादातर साइंटिस्ट नहीं मिलता हमें, क्योंकि Facebook पे इतना ज्यादा बिजी ट्रैफिक होता है कि इस तरह के लोग नहीं आते। लेकिन nevertheless, these are the people, Marvin Minsky is known in the world. तो ऐसा काम करके गया कि आने वाली दुनिया इसको याद कर रही है। आपने ऐसा काम करना होगा। आप लोगों ने एहसान दानिश का नाम सुना है, शायर एहसान दानिश, कुछ गर्दनें यस कर रही हैं। आप लोगों ने मिर्जा गालिब का नाम सुना, कुछ गर्दनें यस कर रही हैं। इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है? मिर्जा गालिब बताए, इस वक्त के वाइस चांसलर का नाम नहीं पता, कोई नया काम नहीं किया उसने। एहसान दानिश कौन था? अगर मैं एहसान दानिश की हिस्ट्री आपके सामने रखूं, एहसान दानिश गार्डनर था, माली का मजदूर था, कमरे बनाता था लेकिन शायरी भी करता था। वो ऐसी शायरी करती है कि अपना इम्पैक्ट दुनिया पर छोड़ती है। आइंस्टाइन का नाम हम सब जानते हैं। आज इस वक्त MIT यूनिवर्सिटी का सबसे हाई रैंक प्रोफेसर कौन है? वी डोंट नो। MIT बहुत बड़ी है, नहीं जानते, आइंस्टाइन को जानते। सो यू नीड टू बी अ सिंगल पर्सन इफ यू वांट टू चेंज। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर मजर अली अबड़ो साहब टू गिव द लास्ट वर्ड्स अबाउट आवर गेस्ट स्पीकर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस ग्रेट सेशन। आज का जो सेशन था वो हकीकत में बहुत अच्छा सेशन था, एंड मैं हर सेशन में यही बात करता हूँ कि वाई आई एम गोइंग टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ द सेशंस फॉर यू पीपल, फॉर द फैकल्टी, फॉर द स्टूडेंट्स, दैट आई एंड माय टीम वांट टू गिव यू मोर नॉलेज देन योर डिसिप्लिन। यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, नो डाउट इट्स द नीड ऑफ आवर, ये इस दौर की ज़रूरत है। हम वो लोग हैं, मैं इसलिए हम कह रहा हूँ तो मैं भी कंप्यूटर साइंस का हूँ आप भी, हम वो लोग हैं जो दुनिया के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
हमारी जो वर्ड है जिसको हम कंप्यूटर वर्ड कहते हैं, इसका मकसद है जो रियल वर्ल्ड जिसमें हम सब रह रहे हैं उनके जितने भी मसाइल हैं हम उनको सॉल्व करें, एंड कंप्यूटर साइंस वो करता आ रहा है। फोर्थ जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसमें हमने वो काम किया है और हम कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। डॉक्टर साकिब साहब ने जो बातें की ये वो बातें हैं जो फैक्ट हैं और जो फ्यूचर है इस पे। डॉक्टर साहब मैंने भी काम किया है पोस्ट ह्यूमनिज्म पे, ट्रांस ह्यूमनिज्म पे, और इस पे मेरे कुछ लेक्चर्स भी हैं। जो आपने कहा कि फ्यूचर वो है कि टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द ह्यूमन वर्किंग, और स्टीफन हॉकिंग जो अभी जिनका डेथ भी हुआ उसने भी ये कहा कि जो फ्यूचर की जंग है वो ह्यूमन विजडम और टेक्नोलॉजी के बीच में होगी, देखें कि ये जंग कौन जीतता है। तो अगर हमारी ह्यूमन विजडम प्रॉपर वे में काम करेगी तो डेफिनेटली वी विल विन द वार, अदरवाइज वी विल बी द स्लेव, जैसे सोफिया का आपने मिसाल दिया कि शी इज विलिंग टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमन। क्योंकि ये हम कंप्यूटर साइंस के जो बंदे हम देखते हैं, हम समझते हैं कि एक अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक के भी यहाँ टीचर बैठे हैं कि हाउ मच टाइम विल ह्यूमन विल टेक, बट मिनिमम भी हम कहेंगे अगर कॉम्प्लेक्स है तो 10-20 मिनट तो ले भी लेंगे, बट हाउ मच कंप्यूटर विल टेक टाइम टू सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, सेकंड, नैनो सेकंड और सेकंड और 2 सेकंड। अब आप अंदाजा लगाएं कि मिलियंस ऑफ टाइम इज अ कंप्यूटर इज अ फास्टर देन द ह्यूमन ब्रेन। जो हम 10 मिनट में काम करें कंप्यूटर जब वो 1 सेकंड में करेगा तो हमारा 10 घंटे का काम जो है अगर कंप्यूटर 1 मिनट में करे तो वो तो फास्ट ही होगा। और यही हो रहा है जो सोफिया की बात है इसी बेस पे ये, अगर रोबोट बनते जाएंगे तो वो सारे हमारे काम वही करेंगे और फाइनली दे विल रन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, वही होगा। ये फ्यूचर है एक तो ये है। सेकंड जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब AI ने मेडिकल साइंस को चेंज किया है, मैं इस ओपिनियन का हूँ और मैंने जिस भी फोरम पे मैं गया हूँ वहाँ ये बात करता हूँ क्योंकि मैं खुद AI का बंदा हूँ कि हम पोस्ट ह्यूमनिज्म की तरफ जा रहे हैं, ट्रांस ह्यूमन पे काम हो रहा है। तो फ्यूचर में मुझे कोई मेडिकल डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा है कि वो डॉक्टर होगा, बट मेडिकल साइंसेज होंगी क्योंकि मेडिकल साइंसेज इन कोलैबोरेशन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप द डिफरेंट रिसोर्सेज के वो ह्यूमन हेल्दी रहे। जब फ्यूचर में आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो इस वक्त है, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब ने यही कहा कि हम बायोलॉजी को नहीं पढ़ते बट हमने 9th में पढ़ी, ये जो हम 9th में कंप्यूटर साइंस की तरफ आए आ रहे हैं और बायोलॉजी को हम स्किप कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। फ्यूचर जेनेटिक इंजीनियरिंग का है, जब हमें जीन्स का पता नहीं होगा तो हम इंजीनियरिंग उसकी क्या करेंगे। हम AI वाले बंदे, हम कंप्यूटर साइंस के बंदे, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बंदे, हम जीन्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उसमें ये होगा कि जब मेरा RNA मेरा DNA चेंज हो जाएगा तो मुझे डिजीज क्यों लगेगी। अब इस तरह का अगर कोई DNA बन जाता है कि मुझे कोई वो मुझे प्रोटेक्शन दे तो मुझे डिजीज क्यों लगेगी, जब मुझे डिजीज नहीं होगी तो आई डोंट नीड एनी डॉक्टर। जब इस तरह मेरा DNA या जीन बन जाता है कि मैं ऑटो क्या कहते हैं खुद कार तरीके से मेरा जिस्म बन जाए, अगर किसी बंदे की फिंगर कट जाती है या आर्म कट जाती है वो ऑटो रिप्रोड्यूस हो और वो हो जाए तो क्या होगा। तो फ्यूचर में जब मैं 2050 की बात कर रहा हूँ कि व्हाट विल बी डन आफ्टर 2050, आई डोंट थिंक यहाँ कोई डॉक्टर होगा और डेथ रेट बिल्कुल नहीं कम हो जाएगा, एक तो नहीं होगा बट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आपके DNA आपके जीन सब चेंज हो जाएंगे तो डेथ नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, हम यकीन रखते हैं कि तो मैंने आज के लेक्चर को बहुत अहम समझा और ये आप लोगों के लिए अहम है क्योंकि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बंदे नहीं है, सोसाइटी के भी मेंबर हैं और फ्यूचर में आप में से बहुत से लोग वो हैं जो MPhil की तरफ जाएंगे, देन PhD की तरफ जाएंगे और रिसर्च करेंगे, आप में से कुछ टीचर बन जाएंगे, आप में से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बच्चे जॉब करेंगे, उनको बताओ कि देयर वर्ल्ड इज अ गोइंग और आप अभी से डायमेंशन वो सेट करें। क्योंकि ये लेक्चर इसीलिए मैंने जो फिक्स किया है सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए किया है, 8th सेमेस्टर के बच्चों के लिए किया है कि ये अभी 1-2 महीने के बाद जब आप मार्केट में जाएंगे जहाँ आप अपने फ्यूचर के डिसीजन लेंगे तो यू मस्ट कंसीडर दीज थिंग्स एज वेल। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी BPH यूनिवर्सिटी।
and it's a ground that we do have the such type of the intellectuals, we do have the such type of the teachers in our university. So again, Dr. Saab, I'm very much thankful to you. Thank you very much.